हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन एंड यू आर वॉचिंग रोशन टेक्स इन द यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेथ सेल 8 तारीख से लाइव जाने वाला है और ये सेल 15 तारीख तक चलने वाला है। अगर आपने इस सेल में गेमिंग लैपटॉप परचेस करने का प्लान किया है तो आज मैं आपको एक गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है एसर का एस्पायर 7। तो फ्रेंड्स, ये एसर का एस्पायर 7 2023 वाला मॉडल है। और फ्रेंड्स, ये जो 2023 वाला मॉडल है एसर का एस्पायर 7 का जो मॉडल है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम 2022 के मॉडल से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सेम ही देखने को मिलता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो अपग्रेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है वो इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको एच सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 12450H वाला यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इस बार एसर के एस्पायर 7 में आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। और प्लस यहाँ पे आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करना है जिसका लुक एंड फील एकदम सिंपल लैपटॉप जैसा होना चाहिए बट उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो एकदम अल्टीमेट होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये गेमिंग लैपटॉप परचेस करना चाहिए। क्योंकि इस लैपटॉप का जो डिज़ाइन है, जो लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल देखने को मिलता है। बट फ्रेंड्स, इसमें जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एच सीरीज़ का प्रोसेसर इस बार देखने को मिल रहा है। और प्लस यहाँ पे आपको 144Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिससे आपकी जो गेमिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बाकी फ्रेंड्स, इस लैपटॉप में आपको एल्यूमिनियम टॉप कवर देखने को मिलता है। यानी फ्रेंड्स, इसका जो लीड है वो कम्प्लीटली यहाँ पे मेटल का लीड देखने को मिलने वाला है। ओके, टॉप लीड। ओके, बाकी ओवरऑल इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपका बजट अंडर 50,000 है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ड्यूअल फैन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ट्रिपल थर्मल पाइप्स भी देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मल्टीपल कूलिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स, इस लैपटॉप का एक्चुअल प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने प्राइस हिस्ट्री नाम का ये वेबसाइट है, वहाँ पे हमने चेक किया था और वहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा था। इसका जो नॉर्मली प्राइस रहता है वो 56-57,000 के आसपास देखने को मिलता है। 56-57,000 में आपको 8GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। और अगर आपको 16GB रैम वाला वेरिएंट लेना है तो वो आपको 60,000+ का देखने को मिलता है। 60-61,000 के आसपास वो मॉडल देखने को मिलता है। 16GB वाला वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है और 8GB वाला वेरिएंट 57,000 के आसपास देखने को मिलता है। और इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 83,000 यहाँ पे देखने को मिला है फ्लिपकार्ट पे, और जो लोवेस्ट प्राइस है वो है 48,990 रुपीज़। ओके, बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको ये लैपटॉप लेना है तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। और प्लस इस लैपटॉप पे आपको जो बैंक ऑफर्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है या ICICI बैंक का क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक, इन बैंक्स पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मिनिमम यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का ऑफ भी बताया जा रहा है और प्लस यहाँ पे आपको मिनिमम 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, ओवरऑल इस लैपटॉप में आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप आपको आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 11 होम एडिशन के साथ देखने को मिलेगा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस लैपटॉप में आपको MS Office प्री इंस्टॉल्ड देखने को नहीं मिलता है। ओके,
बाकी फ्रेंड्स, अगर आपने इस लैपटॉप को परचेस करने का प्लान किया है तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो।